नमस्कार, मैं रवीना, एमएनएस न्यूज रैम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। 190 आदमियों के साथ किया बलात्कार, पहले ड्रग्स और फिर शराब पिलाकर करता रहा बलात्कार। यह घटना बड़ी अजीबोगरीब और यकीन न करने वाली खबर दर्शाई जा रही है, लेकिन यह खबर बिल्कुल पक्की है। यह खबर है ब्रिटेन से एक हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को 190 आदमियों के साथ बलात्कार करने के जुर्म में 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर आरोप है कि वह अपने शिकार को ड्रग्स और शराब देकर अपने वश में करता था, इसके बाद उनके साथ बलात्कार करता था और इस घिनौनी वारदात को अंजाम देता था। वहीं दूसरी खबर सामने आ रही है, 13 साल की बच्ची से 1 महीने तक बंधक बनाकर किया बलात्कार। यह घटना तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित एक आवासीय शिक्षण संस्था के एक वार्डन को एक 13 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की उम्र 50 साल की दर्शाई जा रही है। वही बच्ची को उसने बंधक बनाया और 1 महीने तक उसका बलात्कार किया। वही तीसरी खबर सामने आ रही है, नागपुर अजनी में फांसी पर झूली एक युवती। अजनी के जय भीम नगर में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 26 वर्षीय साक्षी सुधाकर डांगे अपनी मां के साथ किराए पर रहती थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।